देखे इसमें सबसे जो मोहब्बत वाली बात है जी जी, जो असल प्यार वाली बात है जी जी, जी। वो ये है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी सारी फैमिली की फतेह पे जितने मेरे वर्कर्स और जितने मेरे वोटर खुश हैं जी जी, उतने हम खुद नहीं खुश। वाह। और आपने देखा कि गिटकू जो है ये यहाँ आके ही नहीं सिर्फ इसने बगड़ा डाला जी जी, ये जिस दिन से इलेक्शन खत्म हुआ है और नतीजा अनाउंस हुआ है ये उस दिन से ही बगड़ा डाल रहा है। ये सत्य। वाह। सत्य। मैंने इसे कहा कि थोड़ी देर सो भी जाया करो। तो आप हैरान हो गए, इसकी मोहब्बत का ये आलम है। ये कहता है कि आप फिक्र ना करें मुर्शिद पाक, मैं बगड़ा डालते हुए भी थोड़ी देर आंख लगा लेता हूँ। वाह 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 वाह। बिल्कुल जी, पोनी घोड़ा है ये। गिलानी साहब, खुशी की तो बात है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, हमारी तरफ से और सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आप भी कामयाब हुए और आपके तीनों साहबजादे भी कामयाब हो गए इस इलेक्शन में। कुर्बान वन्या, कुर्बान वन्या। देखे फरीद साहब, ये तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारे इलाके के लोगों की मोहब्बत है। वो जो भी उनके घर वोट लेने के लिए गया है जी, तो उन्होंने सबको मुंह पे ही कहा है कि वोट सिर्फ साईं गिलानी साहब का। क्या बात है। तो अल्लाह के फजल से उन्होंने ये साबित भी किया है। हक अदा कर काटी थे मुल्तान लेने से ही। मगर गिलानी साहब, यानी आप ही के मुखालिफ आजाद उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ ने जो नतीजा आया उसको चैलेंज कर दिया है आपकी जीत को। देखे यही बदकिस्मती है हमारे मुल्क के अंदर के जो जीता हुआ है वो कहता है कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है, जो हारा हुआ है उसके लिए इलेक्शन ठीक नहीं होता। जब तक हम एक दूसरे की फतह को जी और अपनी हार को खुले दिल से कबूल नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि जमहूरियत जान नहीं पकड़ सकता। बहरहाल एक बात याद रखे, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, जो रिजल्ट आउट हो जाए मंजूर वही होता है। गिलानी साहब, ये शेर ऐसे नहीं है, इलेक्शन में ऐसे ही है। जिए भुट्टो। सदके सदके सदके। क्या बात है जी, जिस तरह सारे खानदान ने फतह हासिल की है, आज तो गिटकू को घुंघरू भी बांधने चाहिए थे पांव में। देखे गौरी साहब जी जी, ये गिटकू मेरा मुरीद है, ये कोई अमराव जान अदा नहीं है। खातिर अमराव जान अदा ही बन वेसा सही। जीते रहो जीते रहो। दादी मैं तो समझ रहा हूँ कि आज के बाद आपको फातिह मुल्तान कह के पुकारा जाए। वाह। क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में गोभी गोश्त फंसा हुआ। अंदर गोभी गोश्त फंसा हुआ है और बाहर से तुम्हारा दिमाग विग में फंसा हुआ है। मुल्तान नहीं, सारा पाकिस्तान। सदके अल्लाह ताला के फजल व करम से इस तरह की फतेह आपको कहीं दूसरी जगह नजर नहीं आएगी। वाह। जी जी, ये मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी है जी, और मेरे इलाके के लोगों की मोहब्बत है जी।